देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन। उत्तर प्रदेश की मंशानुसार आगामी आने वाले राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक मनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ने जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण स्थित सभागार में जनपद के जाने माने उद्योगपतियों और स्वयं सहायता महिला समूहों की महिलाओं के साथ बैठक की। बैठक में समूहों की महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगे झंडे को बनाने व उद्योगपतियों से सहायता देने की अपील की है। ज़्यादा तिरंगे झंडे को बनाने समूह को इनाम दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक प्रतिष्ठान पर व घर घर तिरंगा झंडा रोहण कर ऐतिहासिक बनाया जाएगा। आज सभी लोगों की एक व्यापक स्तर पर एक समन्वय मीटिंग की जा रही है जनपद स्तर पर, जिसमें कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, देश के जो 75 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी के, और उसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसमें 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2022 तक जो पूरा सप्ताह इस कार्यक्रमों को हम लोगों को आयोजित करने के निर्देश हैं, उसी क्रम में हम लोगों ने सभी की बैठक बुलाई है। इसको बहुत ही धूमधाम से उमंग उत्साह के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे और हर घर तिरंगा योजना में किस प्रकार से हम लोग झंडे की उत्पादन, उसकी उपलब्धता, उसका स्टॉक, उसका वितरण और घरों तक डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्लानिंग जो है हम लोग बैठ के तय कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने सभी जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो हमारे लोग हैं यहाँ पर, स्वयं सहायता समूह के NGO, व्यापार मंडल, उद्यमी, जितने भी हमारे और भी सहयोगी जितने विभाग हैं, और लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जितने भी हमारे जनपद में हैं, सभी के साथ एक समन्वय मीटिंग करके इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मना सके शासन की मंशा का रूप, इसकी तैयारी बैठक। मैनपुरी जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैनपुरी जनता को सिर्फ यही संदेश है कि 75 वर्ष पूरा होने के बाद हमारे देश ने इतनी तरक्की की, इतना विकास किया, इसके उपलक्ष्य में जो शासन द्वारा इस बार तय किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 11 अगस्त से लेकर के जो 17 अगस्त तक साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग खूब धूमधाम से, खूब उमंग उत्साह से मनाएं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, किशोर वय के, युवा अवस्था के, उनको हम लोग इस कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश दें कि हमारे देश में किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद किस प्रकार से हम लोगों ने इस 75 वर्षों में इस प्रकार की विकास यात्रा तय किया कि आज हमारा देश विकसित देशों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो चुका है। ये हमारे नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को सफलता के संदेश चाहिए।